जोर से बोलिए, क्या चाहिए, मंदिर या काम? काम चाहिए। पूरा भारत में कम से कम 700-800 मजदूर इधर होना चाहिए। मजदूर को सबसे पहले उनका पेट चाहिए, मजदूर को सबसे पहले उसकी रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। मजदूरों को मंदिर की जरूरत नहीं है, मजदूरों की चोरी रोक रहे हैं, सरकार की कितनी चोरी होती है उसके बारे में ध्यान नहीं है। उनका तो कहना है कि 8 घंटे काम करें, लेकिन 8 घंटे नहीं लगता है, एक दिन में 3 से 4 घंटे में एक गोदी लोग कोड़ लेते हैं। आज के देखें तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही विकास की बात करती है जी। सरकार बात नहीं मान रही तो हम उन्हीं का बात कैसे मानेंगे हम? मेरे पीछे वो पोस्टर देखिए, आप लगातार ये पोस्टर्स को देख रहे होंगे और इसमें नरेगा संघर्ष मोर्चा आप लगभग 1-2 महीने से सुन रहे होंगे। इन लोगों का मोर्चा जो है, इन लोगों ने कहा था कि हम अपने आंदोलन को 100 दिन तक रखेंगे, लगभग पूरे 100 दिन तक आप लोग आंदोलन करेंगे। अभी आप लोग का पूरा 45 दिन हो गया है, तो कुछ सरकार की तरफ से बातें आई हैं? सरकार की तरफ से अभी कोई बात नहीं आई है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, उनसे बात करने की प्रयास की जा रही है, उनसे कुछ बात किए भी हैं। सरकार कहना है कि हमने जो तय किया है ऑनलाइन हाजिरी का, जो तय किया है कि ये वो बहुत सही है, ये भ्रष्टाचारी को ख़त्म करेगा, इस पर कोई बदलाव की बात वो नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी को खत्म करें, वो कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचारी खत्म होगा, इससे जो है काफ़ी नरेगा में जो गोदी में कोने मजदूर चोरी करते हैं, चोरी खत्म होगा। मजदूर चोरी करते हैं? हाँ, उनका कहना है कि मजदूर चोरी करते हैं। कैसे चोरी? गोदी कम कोड़ते हैं, ज़्यादा बताते हैं, ऐसा उनका कहना है। जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को इतनी बड़ी चिंता हो गई कि मजदूरों की चोरी रोक रहे हैं, सरकार की कितनी चोरी होती है उसके बारे में ध्यान नहीं है, और मजदूर की चोरी को ये रोकने की बात कर रहे हैं, और इससे मजदूरों की चोरी बिल्कुल संभव नहीं है, रुक पाएगी, चोरी करने वाला चोरी कर ही लेगा इससे भी। दूसरी बात यह है कि इससे कोई ऑनलाइन हाजिरी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो कहीं पर उसका बहुत सारे सर्वर है, कहीं नहीं है, वहाँ काम नहीं करता इनके। तो मतलब नरेगा में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नरेगा में एक दिन में लोग कितने घंटे काम करते हैं? देखिए, उनका तो कहना है कि 8 घंटे काम करें, लेकिन 8 घंटे नहीं लगता है, एक दिन में 3 से 4 घंटे में एक गोदी लोग कोड़ लेते हैं, एक दिन में 3-4 घंटे में वो अपना टास्क पूरा कर लेते हैं। हाँ, पूरा कर लेते हैं, उसके बाद खत्म घर चले जाते। हाँ, उसके बाद तो घर जा सकते। उससे भी दिक्कत है उन लोग? नहीं, उनको दिक्कत नहीं है, गांव वाले को तो उसमें दिक्कत नहीं है, गांव वाले का कहना है। मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी तो 215 हुआ है अभी। हाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पूरे देश में अलग 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 है अभी 200। ज्यादा कितना है अभी? ज्यादा। अभी हम तो चाह रहे हैं कि अलग अलग देशों के अलग अलग रेट है, यहाँ 241 रुपया हुआ है छत्तीसगढ़ का। हम तो कह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरा भारत में कम से कम 700-800 मजदूरी दर होना चाहिए पड़े आज की महंगाई को देखते हुए। काम क्या क्या करना होता है इसमें? काम पे मिट्टी वर्क का ही काम ज्यादा होता है, जो मिट्टी कोड़ने का काम होता है, तालाब, डबरी, खेत, रोड और बहुत सारे पौधा रोपण के भी काम होते हैं। तो अब क्या लग रहा है इसमें लगभग कितने लोग पूरे देश में नरेगा में कितने लोग काम करते हैं? देखिए, पूरे देश की बात तो जो मजदूर हैं वो मैं आंकड़े नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना छत्तीसगढ़ में जो एक गांव में लगभग 50% मजदूर काम करते हैं आज भी, जो मजदूर हैं हर एक गांव का अलग अलग जॉब कार्ड है, जो जॉब कार्ड के किसी गांव में 500 है, किसी गांव में 600 है, किसी गांव में 400 है, लगभग 50% लोग काम करते हैं, और काम आज नहीं कर पा रहे हैं पूरे लोग, उसके पीछे बड़ा कारण है कि इनकी पेमेंट समय पे नहीं होता, समय पे पेमेंट नहीं होता है, इसलिए लोग काम करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग को जैसा मालूम होगा या नहीं होगा, किसान भी 1 साल तक धरने पे थे, तो जब किसान ने भारी तादाद पे धरना दिया था तो उनको खालिस्तानी साबित कर दिया गया। आप लोग लगभग 45 दिन से यहाँ पे हैं, क्या लग रहा है? वो जैसा कि सरकार बोल रही है कि चोर बता दे रही है मज़दूर को, तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स है? देखिए, जो अधिकार की बात करता है उसको तो लोग ऐसे कहते हैं, किसी को नक्सली, किसी को खालिस्तानी और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, वो तो आरोप लगाते रहेंगे, बाकी हम मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये काम कर ले। किसके लिए काम कर रही है? जहाँ एक तरफ बोलती है सबका साथ सबका विकास, तो किसका विकास हो रहा है, किसके साथ?
और वही है कि सरकार आज के देखें तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही विकास की बात करती है। ये नरेगा कानून को कमज़ोर जो किया जा रहा है, आज पूरा मजदूर गांव से दिल्ली की ओर बॉम्बे की ओर नहीं आ रहा है। आज सारे मजदूर नरेगा के कारण अपने गांव में रुक जा रहा है, गांव की खेत बना रहा है, अपना इनकम बढ़ा रहा है, तो मजदूरों की संख्या धीरे धीरे शहर की ओर नहीं आ पा रहा है। अगर ये सारे मजदूर नहींगे तो देश बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े बड़े कारखाने में लोग मजदूर नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ तो देखा जा रहा। हमारा मानना है कि सरकार बड़े बड़े पूंजी बच्चों के लिए काम कर रही है, हमारे मजदूर के लिए सरकार नहीं कर रही। मजदूर के लिए भी तो किया है, राम मंदिर बना दिया, और क्या क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र, लोगों को धन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, कैसे चलेगा? एक ही चीज चलेगा ना। देखिए, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है या बाबरी मस्जिद बना रहा है, इसकी बात कर, मजदूरों की ये बात नहीं कर रहे। मजदूर को सबसे पहले उनका पेट चाहिए, मजदूर को सबसे पहले उसकी रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। मजदूरों को मंदिर की जरूरत नहीं है, वो मजदूर हमारे जो आप लोगों को मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, क्या चाहिए, मंदिर या काम? काम चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ, ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर और काम में अगर चुनना हो तो इन्हें काम चाहिए। हाँ, और आपको क्या लग रहा है कि सरकार, जहाँ 5G का जमाना है, डिजिटली इतना आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है भारत, और आप लोगों की ये स्थिति है, आप लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये काम तो पहले सरकार को करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लगभग 50% एरिया ऐसा है जहाँ सर्वर आज भी नहीं है, आज भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। जहाँ पर ये सरकार का ये जो NMS लागू कर रहे हैं वो सब फेल है। लोग काम कर रहे हैं उसका हाजिर नहीं चढ़ पा रहा है, लोग काम कर रहे हैं उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस तरह में NMS वहाँ पर सर्वर ही नहीं है, उसको ऑनलाइन हाजिरी हो ही नहीं सकता है, तो फिर काम कैसे करेगा मजदूर? तो हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सब पहले व्यवस्था कहना सारी जगहों में वो अपना डाले, ये हमारा क्या सर्वर नहीं आ पाता, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो मतलब इसके जो उपभोक्ता है वो बहुत कम तादाद में है, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव में है, तो जो बहुत कम तादाद में, तो लोग जो सरकार कर रही है वो बहुत कम लोगों के लिए काम कर रही है। हाँ, इससे देखिए काफी कम लोग को काम मिलेगा, बहुत जहाँ पर नेटवर्क बहुत सही है वहाँ के लोग इस पे काम करेंगे, बाकी जगह लोग काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं मिल पाएगा, बहुत जगहों को बहुत दिक्कत हो रहा है। 45 दिन हो गया, अब आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो अभी 45 दिन से आगे जाना चाह रहे हैं, हमारी तो मांग है, जब तक की मांगे पूरी नहीं होगी मजदूर हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सरकार तो आप लोग बहुत ठंडा हड़ताल कर रहे हैं, 45 दिन हो गया है, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, सरकार अपने बात पे आ रही है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कैसे लग रहा है कि मानेगी सरकार आपकी बात? ये ठंडा हड़ताल नहीं है, हम दिल्ली में काफ़ी 100 लोग बैठे हैं, लेकिन इसके हमारे राज्यों में जिला में भी बात चल रही है, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, अब एक लंबा चलेगा और सामने चुनाव भी आ रहा है। सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनेगी तो सरकार की बात नहीं भी कौन बनेगा अगली सरकार? संसद से तो बर्खास्त कर दिया गया राहुल गांधी को, अब कौन बन पाएगा ये बता पाना मुश्किल है। लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, ये तो खतरे में है, लोकतंत्र आज खतरे में है, अभी कौन बन पाएगा ये बड़ा मुश्किल चीज कह पाना, लेकिन लोकतंत्र तो खतरे में है। कैसे कह सकते हैं? कैसे इसलिए कहते हैं कि जो मजदूरों के हक में जो कानून बना है, चाहे रोजगार गारंटी के कानून जो प्रावधान है उसको धीरे धीरे खत्म की जा रही है। आज वन अधिकार कानून को देख लीजिए, धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। सारे जो लोगों के अधिकार के लिए जो भी कानून बन रहे हैं वो काफी कमजोर किया जा रहा है उसको। तो क्या अभी आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? अभी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हड़ताल चलते रहेगी, और 100 दिन की बात हमारा है, 100 से आगे दिन भी हड़ताल चलते रहेगी। अब ये हड़ताल दिल्ली में नहीं है, गांव गांव की ओर जाएगी, हर एक राज्यों में भी जाएगी। और आपने कहा कि बहुत ठंडे है, ये ठंडा नहीं है, तो धीरे धीरे गर्म होगा जी। तो क्या वोट की चोट देंगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी? मैंने कह चुका कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारा जनता भी सरकार की बात नहीं मानेगी। क्या करेंगे 2024 में, क्या करेंगे, तख्ता पलट करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो? क्या करेंगे आप लोग? जी, सरकार बात नहीं मान रही तो हम उन्हीं का बात कैसे मानेंगे? हम क्या करेंगे आप लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो देखिए, ये लोग तमाम युवा मौजूद हैं यहाँ पे, नरेगा में काम करते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी, हालांकि ये लोग 45 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तक सरकार अपनी बातों पे रही है और ये अपनी बातों पे। अब 45 दिन तो बीत चुके हैं, 100 दिन का इन लोगों ने कहा था कि 100 दिन तक रहेंगे, और इनका कहना है कि 100 दिन में भी अगर नहीं मानी तो हम आगे भी ये चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, आंदोलन को। आपको क्या लग रहा है, 45 दिन बीत गया है, सरकार कब इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? आपकी पूरी वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।